एक लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट आम जन के लिए खुले, रामलला की इस दिव्य मूर्ति को देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पहले ही दिन तकरीबन 3 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। बता दें, रामलला की इस दिव्य मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है। 51 इंच की इस मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। रामलला की इस दिव्य मूर्ति को एक खास नाम से जाना जाएगा और वो नाम है बालक राम। पीटीआई के मुताबिक इस बात की जानकारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने दी। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पुजारी अरुण दीक्षित ने कहा, इस प्रतिमा में प्रभु राम 5 साल के बच्चे के रूप में नजर आ रहे हैं, इसीलिए इस मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। जब मैंने पहली बार मूर्ति देखी तो मैं रोमांचित हो गया और मेरे आंसू बहने लगे। तब मुझे जो एहसास हुआ उसे बयां करना मुश्किल है। बताते चलें कि रामलला के आभूषणों को भी एक गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। इस शोध के लिए आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर जैसे स्रोतों की मदद ली गई है। मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है जिसमें एक पीली धोती और एक लाल रंग का अंगवस्त्रम है। अंगवस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है जिस पर वैष्णव प्रतीक, शंख, पद्म, चक्र और मयूर देखे जा सकते हैं। रामलला के वस्त्रों को दिल्ली के कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किया है। बताते चलें कि भव्य राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, योगीराज और सत्यनारायण पांडे ने बनाई थी। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की ओर से फैसला लिया गया कि 3 मूर्तियों में से एक को गर्भगृह में रखा जाएगा जबकि 2 मूर्तियों को मंदिर के अन्य हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि रामलला के आभूषणों को लखनऊ के अंकुर आनंद के हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किया है। गौरतलब है रामलला के दर्शन करने के लिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। यूपी पुलिस की ओर से आग्रह किया गया है कि फिलहाल श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए न आए। पुलिस प्रशासन की ओर से ये साफ किया गया है कि जो भक्त अयोध्या आ चुके हैं पहले उन्हें दर्शन का मौका दिया जाएगा। भीड़ कम होने के बाद ही अन्य शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में एंट्री दी जाएगी। इस बारे में यूपी पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है।